चलो यहाँ पे है एपी 10-7-4 डॉट डॉट का तीसवा पद निकालेंगे। तो तीसवा पद निकालना हो चाहे कोई भी पद निकालना हो तो पद निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी, ये चाहिए ए और डी चाहिए। इसमें का आपका एपी में पहला पद को ए कहते हैं, तो ए कितना है 10 और डी निकालना है, डी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए टू माइनस ए वन, ए वन है क्या है ए टू है, तो डी निकालने के लिए ए टू में से ए क्या करेंगे घटा देंगे, यानी ए टू माइनस ए टू कितना है 7 माइनस ए वन कितना है 10 कितना हुआ माइनस 3। इसलिए कौन सा पद करा है तीसरा पद, ए 30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस उन्टी टी, एक फॉर्म हो जाएगा जैसे मान लो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो ए तो ए है 10 है ठीक, एन की जगह पर कितना हुआ 30 माइनस वन इंटू आर डी की जगह पर माइनस 3, तो 10 29 गुणे माइनस 3 तो 10 माइनस 87 माइनस कितना हुआ 77। तो इस ऑड पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे ए 30 तो ए प्लस 29 डी, मैंने इसी पर बना है वो फॉर्मूला इसी पर है एन माइनस वन डी बना है, लेकिन जब जो पद कहेगा ए 30 कहेगा तो ए प्लस 29 डी, ए 50 कहेगा तो ए प्लस 49 डी, ऐसे आपका कितना आया तीसरा पद कितना आया माइनस 17। दूसरा में है एपी 3-8-13-18 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या है 78 है, एपी 3-8-13-18 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या है 78 है। तो यहाँ पर जब जब भी कहेगा कौन सा पद, इसका मतलब क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है, जब भी कहेगा कौन सा पद क्या कह रहा है एन पूछ रहा है, तो एन के लिए क्या चाहिए ए चाहिए डी चाहिए, दो चीज चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए, और कौन सा पद यानी कि कोई ऐसा पद है जो 78 है तो वो क्या है ए एन है, यानी अंतिम पद क्या है 78। तो ए क्या हुआ यहाँ पर 3, डी क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, तेरे माइनस 8 कितना हुआ 5, और ए एन कितना है 78। तो एन बराबर वन, एन बराबर वन, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 78 ए कितना है 3 एन माइनस वन, एन तो नहीं पता है एन माइनस वन, और डी कितना है 5। आगे बढ़ा रहे 78 ये कितना हुआ 3 प्लस और 5 से दोनों में गुणा होगा तो 5 का 5 है माइनस 5 तो हो गया आपका 78 बराबर, ये माइनस में है इस साइड में आया क्या जाएगा प्लस, ये प्लस में इस साइड क्या हो गया माइनस, तो डायरेक्टिंग दे देते हैं ये माइनस में क्या आ गया प्लस, ये प्लस में क्या आ गया माइनस बराबर, इधर क्या बचा 5 10 78 5 83 इन हो गया जी 83 माइनस 3 80 बराबर 5 10, इसलिए n बराबर हो गया 80%, यानी आपका 16वां पद जो है क्या है 78। मतलब जब भी कहेगा कौन सा पद जिसका मतलब कि जो दिया है वो an है, हम यहाँ से एपी से समांतर श्रेणी से ए और डी निकाल देंगे और किस फॉर्मूले को करेंगे इस फॉर्मूले पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें पुट कर देंगे और इसको पुट करके सोल्व कर देंगे और एन का वैल्यू निकाल देंगे, कितना आया एन का आया 16 आया। थर्ड में है हर में किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो डी निकाले, मतलब सार्व अंतर निकाले,
किसी ए पी का सतराह पद अभी बताएं सतराह ए सत्रह को फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं ए प्लस और ए दस के लिए हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस एक कम हो जाता है ए सत्रह है तो ए प्लस सूर्य जी और ए दस है तो ए प्लस नौवीं। अब पता है कि सत्रहवा पद जो है दसवा पद से कम हो जाता है सात तो ए सत्रह जो है ए दस से कम हो जाता है सात तो ए सत्रह के लिए क्या लिखाएगा ए प्लस और ए दस के लिए क्या लिखाएगा प्लस सेवन। इसको इस साइड में लाएंगे तो मेरा ए प्लस सोलह डी ए प्लस में लिखा गया माइनस ए प्लस में क्या गया माइनस ये दोनों कट गया अब सोलह में समझ गया सात बराबर सात डी बराबर क्या गया सेवन बटा सेवन यानी आपका डी जो है सात बंदा कितना गया एक। कोई भी पद हो किसी एपी का कोई भी पद दिया हो और उसे मतलब जैसे कहता है कम है ज्यादा है कुछ भी है उसको जैसे लिखा है वैसे पुट कर देंगे। अगर वही लिखता है कि सात को कम है तो यहाँ पता रहता है माइनस वही पे कहता है सात को ज्यादा है तो ठीक है वही कहता है कि सत्रहवा पद दसवा पद का दुगुना है ये भी तो कह सकता है तो यहाँ पर दो लाया देंगे यहाँ पर दो बगल में बैठा देंगे दुगुना दुगुना कर देंगे साथ ज्यादा से ज्यादा कर देंगे कम हो तो कम कर दो जैसे आप उसका सत्रह के लिए ए प्लस सूर्य है तो सूर्य भरेंगे दस के लिए ए प्लस न भरेंगे अब उसको अगर दुगुना कहा तो इसमें लाकर क्वेश्चन में बन दो मतलब जैसे कहेगा वैसे संख्या बैठा देंगे आ जाएगा। चौथा में है कहता है तीन अंकों वाली कितनी संख्या है सात से विभाज्य है तो तीन अंक कहाँ से स्टार्ट होता है सौ से स्टार्ट होता है नंबर संख्या में तीन अंक एक दो तीन अंक का सवन होता है तो सौ से स्टार्ट होता है और जाता है नौ सौ निन्यानवे एक हजार तो चार अंक का है चार अंक का है तो सौ से स्टार्ट होगा और नौ सौ निन्यानवे तक जाएगा। पूछ रहा है सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक कितना संख्या है जिसमें सात से भाग लग जाएगा सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक कितनी संख्या जिसमें सात क्या लगेगा भाग लग जाएगा तो हम लिखते हैं यहाँ पर तीन अंकों वाली कुल संख्या तीन अंकों वाली संख्या तीन अंकों वाली संख्या सौ एक सौ एक एक सौ दो एक सौ तीन एक सौ चार एक सौ पांच डॉट 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 नौ सौ निन्यानवे तक यानी सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक संख्या तीन अंक है। और इसमें कहता है सात से विभाज्य तो यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या है जो सात से क्या लगता है भाग लग जाएगा तो थोड़ा सा देख के बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक सात से किसमें भाग लग जाएगा एक सौ पांच एक सौ पांच लगा तो सात से विभाजित होने वाली संख्या का एपी बना लेते हैं तो सबसे पहला अंक जो है सात सौ एक सौ पांच है जिसमें सात से भाग लग रहा है एक सौ पांच है सत्सत को बढ़ा देंगे एक सौ बारह एक सौ बारह सात से कटेगा जी कटेगा एक सौ उन्नीस एक सौ उन्नीस लास्ट में कहां तक जाएगा नौ सौ चौरानवे मतलब यहां से नौ सौ अंठानवे पंचानवे चौरानवे इसमें लास्ट तक यहाँ पर देख लेंगे किस अंक में सात से भाग लग रहा है इसको हम लिख दिए। अब ये हो गया प्रथम पद ये हो गया अंतिम पद और डी यहाँ से निकल जाएगा ये हो गया प्रथम पद ये हो गया अंतिम पद डी निकल जाएगा एन निकालना है इसलिए के बराबर एक सौ पांच जी कितना हो जाएगा एक सौ बारह माइनस एक सौ पांच
सात होगा, यानी जिससे विभाजित करेगा वही आएगा डी। और ए एन कितना हो गया 994। तो क्या पूछ रहा है, एन बराबर 1, इसलिए फिर लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994। ए कितना है 105। एन नहीं पता है और डी कितना है 7। 994 105 ए प्लस में ना जी, ये माइनस कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एन माइनस 7। 994 माइनस 105 और यह माइनस में है, इधर क्या हो गया प्लस बराबर 7 एन है ना। तो 994 और यानी कि 994 7 कितना आता है 1001, 7 चलेगा 1001 में से 105 गया कितना होगा 1001 में से कितना गया 105। 996 ग्यारह सौ पाँच गया 6 9 896 हो गया 896 बराबर, इसको जोड़ दिए और इसको घटा दिए बराबर 7 एन। एन बराबर 896 बटा 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 को 7 बटा कितना 1, 7 में 14 और 7 बटे 14, यानी कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है 128। वहीं पर क्वेश्चन बदल जाएगा, ऐसे मिलेगा कि दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, 10 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे 99 तक लिख देंगे। अब उसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है 3 से कट रहा है, तो दो दो पहला क्या था 10 था ना, 10 11 12 पहला नंबर कौन आएगा 12, उसके बाद क्या आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा 18 और लास्ट में देखेंगे कौन से कटेगा 99, 99 से कटता है। सेम उसी तरह इसका एपी बना देंगे और ए पता हो जाएगा, एन पता हो जाएगा और एन निकाल देंगे।